बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस हम लोगों ने पढ़ ली थी, आज हम लोग पेज एट पे जो ब्लॉक है वो डिस्कस करेंगे। एरीज आर टेंटेटिव। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है? टेंटेटिव मीन एनी थिंग डैट इज़ अनसर्टेन। अनसर्टेन मीन जो जिसमें प्रॉपर वर्क ना हुआ हो, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं अनसर्टेन या टेंटेटिव। अब क्या होता था कि पहले जब साइंटिस्ट किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होते थे तो वो इसकी एक्सप्लेनेशन देते थे कि हम लोगों ने इसको ऑब्ज़र्व किया है और इसमें हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो ये रिज़ल्ट आए। तो ऐसी थेरीज जिसको वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते थे उसकी वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना दे पाए तो ऐसी थेरीज क्या हो जाती थी? फ्लॉप हो जाती थी या ऐसी थेरीज को चेंज कर दिया जाता था, ठीक है। इसी तरह जब कोई साइंटिस्ट पहले से ही बनी हुई थेरीज पे वर्क करता था तो क्या होता था, जो पहले की बनी हुई थेरीज थी उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाती थी। तो जो पहले की थेरी बनी हुई होती थी तो न्यू साइंटिस्ट आके उस थेरी को क्या कर देते थे? चेंज कर देते थे, ठीक है। 1803 में एक केमिस्ट था जॉन डाल्टन, उसने साइंटिफिक थेरी प्रेजेंट की थी मैटर की नेचर पे और इसकी एग्जिस्टेंस पे। उस साइंटिफिक थेरी को हम लोग डाल्टन एटॉमिक थेरी कहते हैं। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। यूनिवर्स की कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई वेट हो और वो जगह घेरे उसे हम लोग मैटर कहते हैं। इट्स मीन यूनिवर्स की हर चीज़ ही मैटर कहलाती है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के फोर मेन पॉस्टुलेट्स हैं जो कि डाल्टन ने दिए थे एटम्स से रिलेटेड, ठीक है। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट उसका ये था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं जिसे हम लोग एटम कहते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मीन्स हम लोग देख लेते हैं कि ये एक एलिमेंट है, ठीक है, और वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मीन्स के ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे गैदर हुए हैं तो ये क्या बनाते हैं? एलिमेंट। फर्स्ट पॉस्टुलेट तो हमने देखा कि जितने भी एलिमेंट हैं वो एटम से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पॉस्टुलेट पे जाते हैं। अब क्या होगा कि वो एलिमेंट्स जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स हैं, लेट्स सपोज दिस इज एलिमेंट्स एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब ये जो एटम हैं एक एलिमेंट के अंदर वो क्या हैं? अपनी शेप में भी सेम हैं और मास में भी सेम हैं। तो सेकंड पॉस्टुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये था कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे जिससे ये मिलकर बना हुआ है वो अपनी शेप में और अपने मास में आइडेंटिकल है, लेकिन वो दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है। लाइक हमारे पास एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो एटम हैं वो सब सिमिलर हैं, लेकिन इसके अंदर जो एटम होंगे वो इस एटम से दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। थर्ड पॉस्टुलेट था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कि एटम्स केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं। अब केमिकल रिएक्शन के दौरान ये क्या करेंगे? एटम्स या तो एक दूसरे से कंबाइन होंगे, एटम कंबाइन हो के न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे जिसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या एटम्स कंबाइन हो सकते हैं, या एक कंपाउंड अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट में सेपरेट हो जाएगा या एटम्स की रीअरेंजमेंट हो जाएगी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब ये जो कंबाइन हो रहे हैं दो एटम्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान, मीन्स कि एक ये एटम है हमारे पास और दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है। अब जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो न्यू प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वाटर। अब डाल्टन ने ये कहा था कि जब दो एटम कंबाइन होते हैं तो वो सिंपल रेशो में कंबाइन होंगे, मींस के सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन हो सकते हैं दो या दो से ज़्यादा एटम्स, ज़्यादा कम्प्लेक्स नंबर्स में एटम्स कंबाइन नहीं हो सकते। जो फोर्थ पॉस्टुलेट था वो ये था कि एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही एटम्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इस फोर्थ पॉस्टुलेट को हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का नेम देते हैं। ये थे फोर पॉस्टुलेट्स डाल्टन के। अब हम लोग इसके डीमेरिट्स पढ़ेंगे या ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे। अब हम लोग डाल्टन के मेरिट्स पढ़ेंगे। मेरिट्स मीन डाल्टन की क्या क्या अचीवमेंट्स थी जो कि बहुत बेनिफिशियल प्रूव हुई नेक्स्ट केमिस्ट्री के लिए। तो फर्स्ट अचीवमेंट तो डाल्टन की ये थी कि डाल्टन जो है वो क्वांटिटेटिव रिजल्ट को एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गया था जो कि उस टाइम के साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में किए थे। सेकेंड ये थी कि उसने नाइसली एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस को जो कि फोर्थ पॉस्टुलेट है, ठीक है। इस वर्क की वजह से रैपिड प्रोग्रेस हुई केमिस्ट्री में, नेक्स्ट
सेंचुरीज में, लाइक 19th सेंचुरीज में, ये जो इसका वर्क था एक स्टिमुलस बन गया केमिस्ट्री के लिए, जिससे फर्दर साइंटिस्ट ने और ज़्यादा मेहनत की केमिस्ट्री में और ज़्यादा डिस्कवरीज केमिस्ट्री में आती गई। अब हम लोग डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स पढ़ लेते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। ड्रॉबैक्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो कि उसकी रॉन्ग प्रूफ हो गई थी, ठीक है, वो क्या क्या थी? फर्स्ट तो ये था कि उसने कहा था कि एटम जो है वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। इंडिविजिबल पार्टिकल क्या क्या मतलब है कि इसके अंदर फर्दर और भी पार्टिकल्स नहीं हो सकते। लेकिन जब बाद में केमिस्ट्री ने एटम पे और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए तो पता चला कि एटम्स में भी फर्दर सब अटोमिक्स पार्टिकल्स हैं। तो वो सब फर्दर सब अटोमिक्स पार्टिकल्स कौन कौन से थे? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका जो पोस्टुलेट ये कि एटम्स जो है वो एक सिंगल एंटिटी है, मीन्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो एटम से मिलकर बने हुए हैं और एटम जो है वो बिल्कुल सिंगल है, तो ये प्रूव हो गया था रॉन्ग। सेकेंड पोस्टुलेट क्या था कि जितने भी एटम्स हैं उसके अंदर जो सेम एलिमेंट के एटम होंगे वो सिमिलर होंगे ऑल रिस्पेक्ट्स में, लाइक अपने मास नंबर में भी और उसके अपने शेप में भी। लेकिन केमिस्ट्री में फर्दर जब डिस्कवरीज हुई तो ऐसे एलिमेंट्स भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए कि जिसके मास नंबर डिफरेंट थे। उन ऐसे एलिमेंट्स जिनके मास नंबर डिफरेंट हो जाएं उनको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं जिसके मास नंबर्स हैं 35 एंड 37। देखा जाए ये दोनों क्लोरीन के ही आइसोटोप्स हैं लेकिन इनके मास नंबर क्या हैं? डिफरेंट है। तो जो सेकेंड पोस्टुलेट था डाल्टन्स का वो भी प्रूव हो गया रॉन्ग। थर्ड पोस्टुलेट ये था कि डाल्टन्स ने ये क्लेम किया था कि जितने भी डिफरेंट एलिमेंट होंगे वो डिफरेंट हो गए अपने दूसरे एलिमेंट से, वो भी प्रूव हो गया रॉन्ग। वो कैसे? आर्गोन एंड कैल्शियम, मीन्स के और भी एलिमेंट्स हैं, आर्गोन एंड कैल्शियम जैसे एलिमेंट्स जिन दोनों डिफरेंट हैं लेकिन उनके मास नंबर क्या थे? सेम थे। डाल्टन्स ने क्या कहा था? डाल्टन्स ने कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनके डिफरेंट मैसेज और शेप होंगे, वो सेम नहीं हो सकते। लेकिन फर्दर जब डिस्कवरीज हुई केमिस्ट्री में तो पता चला कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनके मास नंबर क्या हैं? सेम हैं, ठीक है। तो फोर्थ पोस्टुलेट क्या था डाल्टन्स का कि उसने ये कहा था कि एटम्स जो हैं एलिमेंट्स से एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे, मींस के कम्प्लेक्स रेशियो में कंबाइन नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री देखें तो उसमें एटम्स जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर में कंबाइन हुए हुए हैं। लाइक शुगर को देखें तो ये जो नीचे नंबर्स हैं ये हमें एटम शो करते हैं। तो देखें, एक ये एलिमेंट है कार्बन, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं जो कि है शुगर। तो कार्बन के 12 हैं एटम्स, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11। तो ये भी उसका पोस्टुलेट क्या हो गया था? गलत प्रूव हो गया था। इसके लेक्चर में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को देखा, इसके 4 पोस्टुलेट्स पढ़े, डी मेरिट्स पढ़े एंड मेरिट्स पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने ये देखने हैं, इसी में से इसके आंसर्स हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।